दोस्तों गैलेक्सी M51 में आपको एक कैमरा मिलता है 5 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस के साथ, लेकिन आप जब शुरू में मैक्रो कैमरा को यूज करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कैसे यूज करें। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि इस कैमरा के अंदर ऑटो फोकस का फीचर ही नहीं है, इसलिए आपकी जो इमेजेस आएंगी वो बड़ी ब्लरी आएंगी, बहुत नॉइजी आएंगी। और मैंने देखा इंटरनेट पे तो कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि शायद उनका मैक्रो कैमरा खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार जब आप मैक्रो कैमरा को यूज करना सीख जाओगे तो आप मैक्रो फोटोग्राफी के दीवाने बन जाओगे। मैक्रो फोटोग्राफी क्या होती है दोस्तों? बहुत ही सिंपल है। जो भी चीज आपकी नेकेड आई, आपकी आंखें क्लियरली नहीं देख सकती, वो आपको मैक्रो कैमरा दिखा सकता है। जैसे एक छोटा सा मच्छर है, एक छोटी सी चींटी है, वो आप क्लियरली नहीं देख सकते अपनी आंखों से, लेकिन अगर आपके पास मैक्रो कैमरा है और फोटोग्राफी की स्किल्स हैं तो आप अच्छी फोटोज लेके एक छोटी सी चींटी या एक छोटे से मच्छर को भी क्लियरली देख सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले कुछ मैक्रो फोटोग्राफी करेंगे, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि गैलेक्सी M51 के मैक्रो कैमरा को आपको कैसे यूज करना चाहिए और क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए जब आप मैक्रो कैमरा यूज कर रहे हो M51 का। तो अब ज्यादा बातें नहीं करते, चलो कुछ फोटोज लेते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी फोटोग्राफी नीचे कमेंट्स में बताना जरूर। गैलेक्सी M51 के मैक्रो कैमरा को कैसे यूज करते हैं आपको फोटोज देख के तो समझ आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने मैक्रो कैमरा को सब्जेक्ट से ना ज्यादा दूर रखना है ना ज्यादा पास रखना है, क्योंकि अगर आपने वो किया तो आपकी इमेजेस बहुत ब्लरी और नॉइजी आएंगी। आपको अपने सब्जेक्ट को और M51 के कैमरे को फोकस में लाना है और 3 से 5 सेंटीमीटर की दूरी या डिस्टेंस को मेंटेन करना है सब्जेक्ट और कैमरा के बीच में। जब आपने ये कर लिया उसके बाद आप अपना मैक्रो फोटो ले सकते हो। क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए मैक्रो शॉट्स लेते वक्त, क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए? आपको अपने सब्जेक्ट और कैमरे के बीच में अच्छी लाइटिंग रखनी चाहिए ताकि आपकी जो फोटोज हैं वो ज्यादा डार्क ना आए और उनमें ज्यादा शेडोज ना आए। और जब आप मैक्रो फोटोज ले रहे हो तो आपका जो कैमरा है वो फिक्स्ड होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए ताकि आपकी फोटोज अच्छी और क्लियर आए। अगर आपने इन चीजों पे ध्यान दिया तो आप मैक्रो फोटोग्राफी के एक्सपर्ट बन जाओगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई मैक्रो फोटोग्राफी के आइडियाज हैं या किसी भी छोटी चीज के आपने मैक्रो शॉट्स लिए हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियोस देखने का शौक है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबा देना। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।